हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हैसियत हैसियत का कभी अभिमान मत करना। उड़ान ज़मीन से शुरू होकर ज़मीन पर ही समाप्त हो जाती है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बता दूं कि कभी भी आप लोग जब इंजीनियरिंग कर रहे स्टूडेंट हैं, जब आप जॉब करेंगे ना, तो वहाँ पर जब आप किसी भी पोजिशन पर हो जाए ना, तो जिस पोजिशन से आप गुजरे हैं उसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की जो वीडियो होगी फ्रेंड्स, वो टाइप पार्ट नंबर 2 होगी, जो सीएनसी का एक फुल कंसेप्ट चल रहा है, फुल कोर्स चल रहा है, जो सीएनसी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। लेकिन मैं बेसिक से स्टार्ट किया हूँ, क्योंकि सीएनसी से बेसिक से समझेंगे आप लोग, तभी एक पोजीशन पे जाएंगे और एक जब टॉप लेवल के प्रोग्रामर बन सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक से समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट पार्ट मैंने जो है डाल दिया है यूट्यूब पर, और प्ले लिस्ट में उसका वीडियो मिल जाएगी, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, और आज पार्ट नंबर 2 है। ये पार्ट नंबर 2 जो सीएनसी के डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट होते हैं ना, उसके बारे में चर्चा होगी। और पार्ट नंबर 1 था वो सीएनसी शुरुआत कैसे हुई और उसकी हिस्ट्री क्या थी, उसके बारे में था। तो ठीक है, तो मैं एक बात पहले बता दूं कि यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बने बेल आइकन घंटी को ओपन कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि जितने भी टेक्निकल स्टूडेंट हैं इस वीडियो को देखें और सीएनसी प्रोग्रामिंग फ्री में सीख सकें। ठीक है, सिर्फ आप लोगों को इतना करना है कि पूरी वीडियो को वॉच करना है और ध्यान से देखना है, और पूरा फुल कंसेप्ट दिया जाएगा। और एक नोट्स बनाइए, नोट्स नहीं बनाए रहेंगे तो प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रोग्रामिंग थोड़ी सी टफ होती है फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप लोग सीख गए ना, लेकिन मैं इसमें ऐसा बताऊँगा फ्रेंड्स कि 110% आप लोग ज़रूर सीख जाओगे, क्योंकि मैं ऐसे लैंग्वेज में ही बताऊँगा। ठीक है, तो इसका जो उसका बेसिक जो पार्ट होते हैं सीएनसी मशीन का, मैं थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, और ध्यान से पूरी वीडियो को वाच कीजिएगा। ठीक है, और हर स्टूडेंट तक शेयर कीजिए, चाहे वो कैंडिडेट फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे टेली स्टॉक हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, एक मिनट फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे टेली स्टॉक, हेड स्टॉक, कैरिज, वी वेट, फ्लैट वेट, लीड स्क्रू, टैरेट पे फ्रंट TUR रहता है, TUR RR रहता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया प्रिंट में। ठीक है, उसके बाद सिग्नल लैंप या लाइट बोल सकते हो, लाइफ सेंटर, डेड सेंटर, ये सारे बेसिक पार्ट हैं सीएनसी मशीन के। ठीक है, और लेथ मशीन के भी यही पार्ट हैं, थोड़ा बहुत पार्ट में अलग होता है लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, तो आप लोग अगर कॉलेज में देखे होंगे लेथ मशीन मैनुअली, तो ज़रूर आप लोग इसको समझ रहे होंगे। ठीक है, तो इसके बारे में मैं पूरा मशीन को ही दिखाऊंगा, और एक एक फिगर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स वीडियो को ज़रूर वाच कीजिए, पूरा वाच कीजिए, डेफिनेटली आप लोगों को प्रोग्रामिंग समझ में आएगी। जब इसके बारे में आप लोग पूरे सीखे रहेंगे, पूरे जाने रहेंगे, तो आगे चल के प्रोग्रामिंग सीखने में कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। मैं ऐसे लैंग्वेज में आप लोगों को बताऊँगा ना, 110% आप लोगों को प्रोग्रामिंग धुआंधार लगाओगे। ठीक है, एकदम देखते ही आप लोग प्रोग्राम बना लोगे। ठीक है, ऐसा मैं ट्रिक बताऊंगा, और ऐसा आने वाले समय में फ्रेंड्स बहुत अच्छा कंसेप्ट के साथ क्लियर करूंगा। ठीक है, आप लोग सोच नहीं सकते कि इतनी आसान होती है प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो जैसे मैं बता दूं कि देखिए सीएनसी मशीन है, जैसे आप लोग को पता होगा, फ्रेशर कैंडिडेट इससे बहुत कम जानते हैं, इसको सिर्फ पढ़े होते हैं, क्योंकि सिक्स सेमेस्टर में जो डिप्लोमा स्टूडेंट होते हैं उनको सिक्स सेमेस्टर में एक सीएनसी की पूरी बुक पढ़ाई जाती है। ठीक है, और उसमें भी डिफरेंट टाइप के चीज़ों के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, एक एक पार्ट देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक एक पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद आगे हम फिगर के माध्यम से आप लोगों को शेयर करें, फिगर के माध्यम से आप लोगों को शेयर करके बता रहे हैं किस तरह से क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है, एक एक पार्ट आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो को वॉच करेंगे, तभी ऐसा हो पॉसिबल है फ्रेंड्स, तभी आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, और अपने स्टूडेंट के साथ, अपने शेयर फ्रेंड्स के साथ आप लोग शेयर कीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, और चैनल को सपोर्ट करेंगे तभी ऐसा पॉसिबल है फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पे एक पार्ट क्या है, कैरिज है, देख लीजिए जैसे कि मैंने अभी दिखाया, आगे कैरिज, उसके बाद मोनीटर। मोनीटर क्या है फ्रेंड्स, पता है, मोनीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके जो कंप्यूटर स्क्रीन होता है, जो कंप्यूटर होता है वो हर प्रोग्राम को कंट्रोल करता है। ठीक है, कंट्रोल करता है। ठीक है, और सारे चीज़ें वही होती हैं जो मैन्युअली मशीन में, लेस मशीन में होता है, वही सब चीज़ें हैं। बस इसमें थोड़ा सा अंतर है कि इसमें कुछ हाइड्रोलिक्स होते हैं, सारा अदर्स जो पार्ट होते हैं। ठीक है, और लुब्रिकेंट वगैरह करने के लिए वहाँ पे होता है, और मोनीटर है ये आप लोगों का सीएनसी है। ठीक है, और डेस्कटॉप यहाँ पर होता है, एक मतलब एक मिनी कंप्यूटर भी लगा होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। मैं देखिए ध्यान से पूरी वीडियो को देखिए, यहाँ पर देखिए जो है,
यहाँ पे मॉनिटर है फ्रेंड्स, कैरिज है। जैसे कैरिज आप लोगों को पता है कैरिज क्या होता है, जो हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में होता है ना, उसको कैरिज करते हैं, जो मूव करता है बेड पे, ठीक है। उसके बाद सीएनसी है, ये पूरा जो है फ्रेंड्स, ये एक मिनी कंप्यूटर है। इसी के माध्यम से जो है हम प्रोग्राम को बना के इसमें फिट करते हैं, और फिर उसके बाद वो जाता है क्या नाम है उसका, कंट्रोलर में, कंट्रोलर फिर आगे भेजता है। इस तरह से काम होता है, ठीक है। और उसके बाद टेल स्टॉक, आप लोग को पता होगा टेल स्टॉक क्या होता है कि राइट साइड में लगा होता है, ठीक है, लेथ मशीन के राइट साइड में लगा होता है, और क्योंकि वो एक सपोर्टिंग डिवाइस है, ठीक है। और ये इसका बेड है फ्रेंड्स, सब कुछ है आप लोगों को साथ फिगर के माध्यम से बताने की कोशिश, ताकि कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। वादा करता हूँ मैं आपसे कि पूरे अच्छे से अपना मैं 100% दूंगा, लेकिन आपका भी एक उसमें चैलेंजिंग एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप लोग पूरी वीडियो को वॉच कीजिए और नेक्स्ट तक वीडियो को पहुंचाइए, ठीक है, तभी ऐसा होगा। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जब इसको सीख सकेंगे ना, तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा इस चैनल पे, ठीक है। चलिए, और पहली आप लोग फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर उसको देख लीजिएगा, लेथ मशीन का जो है स्टार्टिंग कैसे हुई और इंजीनियर कैसे किसे हैं, सब कुछ इस वीडियो पे, इस चैनल पे वीडियो अपलोड कर दी गई है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, बेड है आप लोगों को देखने को मिल रहा है, चक है, चक चक अपना क्या होता है, 3 जा चक होता है, 4 जा चक होता है, ठीक है, 2 जा चक होता है, इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ चक होते हैं, कॉलेट चक होता है, ठीक है, फेस प्लेट होता है, सारे डिफरेंट टाइप के रिक्वायरमेंट के अनुसार ये चेंज किए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपना मेन ड्राइव मोटर होता है, जिसके माध्यम से जो है लेथ मशीन चलती है, ठीक है। और यहाँ पे मेन स्पिंडल होता है, मेन स्पिंडल पे क्या होता है ना कि हमारा जो पुल्ली वगैरह लगे होते हैं या फिर जो 3 जा चक वगैरह लगे होते हैं, सब मेन स्पिंडल पे ही लगा होता है। उसके बाद हेड स्टॉक है, हेड स्टॉक उसे कहते हैं जहाँ पे हम मैकेनिज्म में लगे होते हैं, गियर्स लगे होते हैं, उसके ऊपर लगा होता है जो ये 3 जा चक है, पुल्ली वगैरह है, सब कुछ ये जो है इसी पे होता है, ठीक है। तो हेड स्टॉक हो गया, ये आपको बेसिक चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स, और थोड़ा सा मैं और चीज़ें आगे आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ध्यान से पूरी वीडियो को वॉच करेंगे तभी फ्रेंड्स ऐसा पॉसिबल है कि आप लोग एक अच्छे प्रोग्रामर और अच्छे इंजीनियर बन पाओगे। जब तक मशीन की नॉलेज नहीं रहेगी आपके पास ना, डेफिनेटली आप लोगों को कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, और आपके जो कैरियर है ना उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, फिगर के माध्यम से भी आप लोगों के साथ कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले आपको एक काम करना है कि आपको लाइक कर देना है और शेयर कर देना है। देखिए ये पूरा सीएनसी का पूरा उसका ओवरव्यू दिखाई दे रहा है, एकदम व्यू दिखाई दे रहा है। तो सीएनसी इस तरह से कुछ होती है, ठीक है। ये फ्रंट डोर वगैरह भी है, इसमें मॉनिटर वगैरह भी है, थोड़ा सा मैं रिव्यू देना चाहता हूँ आपको। देखिए ये पूरा कंप्यूटर है, मैं दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ये पूरा एक मिनी कंप्यूटर है फ्रेंड्स, ठीक है। उसका ये फ्रंट डोर है, इसके अंदर जो सेफ्टी के लिए डोर लगाए जाते हैं, ये साइड व्यू है इसका, ठीक है। और ये सारा चीज़ें हैं, ये कंट्रोलर है, ये रेड का जो दिखा रहा है इमरजेंसी बटन, इस तरह से बहुत सारे बटन है। क्योंकि आने वाले समय में मैं इस स्क्रीन पर पूरी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, कौन सी की क्या काम करती है, कौन सी की क्या काम करती है, ठीक है, ऑपरेटर का कौन सा काम होता है, क्या सब कुछ सिखाऊंगा। आप लोग सिर्फ धैर्य रखिए और सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या है फ्रेंड्स कि ये देखिए, जैसे कि मैं लैंप के बारे में उसमें बात किया था, तो लैंप कहाँ है यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, इसमें तो लैंप दिखाई नहीं गया है, लेकिन यहाँ पे लैंप होता है जो क्या करता है ना कि जब ऑपरेटर काम करता है तो उस ऑपरेटर को पता होता है, या फिर कोई दूर से आ रहा है जो कोई रिव्यू कर रहा है, ठीक है, ऑडिट पे आ रहा है, तो उसको लगता है कि मशीन चल रही है या बंद है। तो रेड का मतलब होता है, अगर रेड जल रही है तो उसका मतलब होता है कि मशीन जो है स्टॉप पे है, या फिर इमरजेंसी लगी है तब भी स्टॉप पे है, और ग्रीन चल रही है तो इसका मतलब कि मशीन रनिंग पीरियड में है, उसमें वर्क हो रहा है, और येलो का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जो है मशीन एकदम रेडी है चलने के लिए। तो ये इसका मतलब होता है फ्रेंड्स, ये सब आप लोगों को जानना जरूरी होगा अगर आप इस एरिया में जा रहे हैं, तो इस सीएनसी प्रोग्रामिंग अगर आप लोग सीख रहे हैं तो ये सारी चीज़ें जानना बहुत जरूरी है एक इंजीनियर के लिए, ठीक है। क्योंकि इंजीनियर एक ऐसा बंदा होता है ना जिसको बेसिक तो कन्फर्म ही होना चाहिए, बेसिक जानना चाहिए, फिर जैसे जैसे एक्सपीरियंस बंदा बढ़ता चला जाता है उसके अंदर जो है डिफरेंट टाइप के स्किल्स जो है बढ़ती चली जाती हैं। तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत कुछ इस वीडियो में सीखने को मिलेगा और इस चैनल पर भी सीखने को मिलेगा, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है, क्यों होती है, क्योंकि मैं समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फिगर के माध्यम से मेहनत लगता है फ्रेंड्स, ठीक है, फिगर को खोजना, उस पर जो है अध्ययन करना, फिर आप लोगों को बताना, ये सारा बहुत मेहनत का काम होता है फ्रेंड्स। कोई ऐसा नहीं है कहीं से उठाया और दे दिया आप, क्योंकि जानना भी तो जरूरी है ना इसके बारे में, तभी तो आपको समझा सकते हैं। देखिए ये क्या है कि ये डेटा सेंटर है। डेटा सेंटर क्या होता है, डेट का मतलब होता है मृत्यु, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि जो डेटा सेंटर लगा होता है वो टेल स्टॉक में लगा होता है, और टेल स्टॉक एक स्टॉप डिवाइस है, ठीक है, ये घूमता नहीं है। और लाइव सेंटर जो ये डेड सेंटर जो टेल स्टॉक पे लगा होता है, और लाइव सेंटर जो होता है वो हेड स्टॉक पे लगा होता है जो मूव करता है फ्रेंड्स, ठीक है, वो चक के साथ घूमता है, और ये जो है टेल स्टॉक वाला नहीं मूव करता है, ये जो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, ये जो लाइव सेंटर है ना फ्रेंड्स, ये हेड स्टॉक पे लगा होता है, ये हेड स्टॉक पे होता है, ठीक है।
तो ये सारी फिगर हैं आप लोगों के सामने, बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान देंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्या है कि वी वेड है। वी वेड क्या होता है कि जिसपे जो है सारा कैरिज अपना हो गया, टेल स्टॉक हो गया, ये जितने भी पार्ट होते हैं ना ये मूव करते हैं, ये बेड पे करते हैं। और बेड जो है डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि वी बेड आप लोगों के सामने देखने को मिल रहा है, उसके बाद फ्लैट बेड होगा, एक कम्बिनेशन बेड होता है जिसमें वी बेड और फ्लैट बेड दोनों का जो है कम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो ये वी बेड है, ठीक है। इसका एक एंगल होता है फ्रेंड 60 डिग्री का, मेरे ख्याल से 60 या फिर 30 ऐसा कुछ होता है, कन्फर्म नहीं है मुझे, ठीक है। और उसके बाद ये फ्लैट बेड है आप लोगों के सामने देखने को मिल रहा है। उसके बाद आप लोगों को टैरेट देखने को मिल रहा है, सीएनसी के पार्ट हैं सब। टैरेट क्या होता है ना कि टैरेट डिफरेंट टाइप के जो है टूल्स के लिए बनाया जाता है, क्योंकि टेलीस्टॉक जो कैरिज होता है ना, कैरिज पे टूल पोस्ट लगते हैं, तो टूल पोस्ट पे, सॉरी फ्रेंड्स, जो कैरिज होता है उसके ऊपर से टॉप पे टूल पोस्ट लगता है, टूल पोस्ट में चार टूल को बांध सकते हैं। लेकिन टैरेट क्या होता है जो सीएनसी में प्रयोग होता है, उसमें क्या होता है डिफरेंट टाइप के आप टूल, जैसे ड्रिलिंग, बोरिंग, रीमिंग, या फिर उसके बाद आप लोग और कोई भी स्टेप टर्निंग का टूल हो गया, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, मल्टी, मतलब बहुत सारे आप यहाँ पे एक साथ जो है ऑपरेशंस कर सकते हो, एक साथ जो है कई टूल्स बांध सकते हो, ठीक है। तो ये रहे कुछ आज के जो है डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट जो सीएनसी का बेसिक था। तो पार्ट नंबर टू है, पार्ट नंबर वन देखने के बाद ही आप लोग इसको देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ओपन कर दीजिएगा। इसी तरह से आप लोगों को पूरा फुल लगभग 150, ठीक है, 150 आप लोगों को पार्ट को प्रोग्रामिंग देखने को मिलेगी। और बेसिक से मैं शुरुआत किया हूँ और हाई लेवल तक जाऊँगा, वादा करता हूँ कि आप लोगों को पूरा कंसेप्ट और पूरा टर्निंग प्रोग्रामिंग में सिखाऊंगा कोडिंग, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए तीसरे पार्ट के साथ, ठीक है। और बीच बीच में आप लोगों को अदर्स मिलते रहेंगे, जैसे गेजेस से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो मशीन से रिलेटेड या फिर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, इस तरह से जो भी है आप बीच बीच में आप लोगों को मिलता रहेगा। लेकिन आप लोग एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट का नाम दे दिया गया है, इंटरव्यू से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब कुछ मैं क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। इंजीनियर किसे कहते हैं सारा कुछ है प्लेलिस्ट में, आप एक बार देख लीजिएगा। और इंस्टाग्राम पर भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और आप लोग टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। सब कुछ का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहाँ से जाके फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।